काल की यात्रा शुरू हो गई है। सावन का यह चौथा सोमवार है, यानी कि अंतिम सोमवार के दिन महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। किस तरह से ये यात्रा हो रही है और क्या कहा भक्तों ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। महाकाल की आज जो नगर भ्रमण की यात्रा है, यह हम सब उदयपुर वासियों की कुशलता के लिए है, मंगल कामना के लिए है। आज प्रभु यहाँ से यात्रा में पधार रहे हैं, यह सबसे गौरवशाली क्षण है। हमारे महाकाल की बहुत प्रतिष्ठा है और उसी प्रतिष्ठा के कारण से आज जन सैलाब उमड़ने वाला है पूरे क्षेत्र में। प्रभु महाकाल की सबकी इच्छा पूरी करे, उदयपुर वालों को सब कुछ आज स्वस्थ और प्रसन्न चित रखे, यही शुक्रिया। आप बताएं, महाकाल की न सिर्फ हिंदुस्तान में विश्वव्यापी इनका व्यापक आधार है। प्रभु सबको कुशल मंगल से रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आरोग्य दे और सबके मनवांछित फल पूर्ण करे, ऐसी महाकाल से मैं प्रार्थना करती हूँ। सावन का सुखद महीना है, महिलाएं विशेष रूप से धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, सब इसमें बड़ी भावनाओं से भाई युवा सब लगे हैं, सबका अति आनंद का विषय है। जय महाकाल। कैसा आनंद आया? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, दो चार साल, दो तीन सालों के बाद निकल गई इसलिए बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों को लेके आई हूँ। वाह वाह, आपको बहुत अच्छा लग रहा है।
की कृपा है, महादेव की कृपा है, इसलिए हम देखने आए यहाँ पे उसकी कृपा के बिना हम आ भी नहीं सकते। वाह वाह वाह, सभी माँ काल के भक्त बने हैं तो त्रिपुंड और कुमकुम लग रहा है। बताओ क्या भावना है आपकी? अच्छा, क्या क्या कर रहे हो आप? अच्छा, आनंद आया? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। आज बहुत बहुत, हम लोग तो बाहर से आए, यहाँ पे नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? हम सलीमपुर। अच्छा जी 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 वाह, माँ काल की सवारी निकली है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। हाँ। इससे अच्छा मतलब फीलिंग हो रही है भगवान को नगर भ्रमण पे जाते देख। आप बताओ। अच्छा है, काफी अच्छा है। कौन सा बोलो? हाय हाय बोलो। हाँ बोलो, कैसा लगा? हाँ बताओ कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। आप हाँ बोलो। अच्छा, क्या नाम है आपका? रेखा बागड़ी। अच्छा, क्या क्या कहना है आपका? क्या कहना है, क्या दिल खुश हो गया बस। हाँ यात्रा यात्रा निकली, बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, महादेव जी भ्रमण करने निकले, सब अच्छा लगेगा सबको। अच्छा है, बीमार ही नहीं आएगी मुझे। हाँ आप बताओ। बढ़िया लगा शोभा यात्रा देख के। माँ काल की यात्रा निकल रही है और सभी भक्तों ने स्वागत किया है अपने अपने विभिन्न विभिन्न रूपों में। आप देख रहे हैं सभी के मन में प्रसन्नता है। आप बताएं क्या कहना है आपका, क्या नाम है? जितेंद्र कुमार सिसोदिया जी। खूब आनंद आ रहा है, अच्छा सब बहुत मज़े आ रहे हैं। हाँ। लोग बहुत उत्साह दिखा रहे हैं। आप बताओ। बहुत अच्छा लगा, भगवान के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम सब भारतीय को ऐसा करना चाहिए और एकजुट होकर करना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा भी यही कहना है कि अपनी संस्कृति को अब मतलब चलाते रहे।
यात्रा निकल रही है और यात्रा में सभी भक्त शामिल हो रहे हैं, बड़े ठाट बाट के साथ आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ में प्रदीप जी कुमावत है, आप बताएं क्या कहना। कोरोना के बाद इस तरह भगवान शिव जो है आज भक्तों को दर्शन देने के लिए श्रावण मास के आखिरी सोमवार में नगर भ्रमण पर निकले हैं शाही सवारी के रूप में। कोरोना भी भागेगा और देश का विकास भी होगा, हमारी पिछोला जेल भी भरेगी, पूरा भरोसा है। Yeah.
महाकाल की यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और बड़ी खुशी है इनके चेहरे पर और बहुत आनंद ठाट बाट से ये प्रतीक्षा कर रहे हैं महाकाल की। निकट दो साल के बाद ये डायरेक्ट ये निकला है भगवान
आप देख रहे हैं शेखरी पकौड़ा रखा गया है और ये सब जल और टूटी की व्यवस्था की गई है। सवारी बड़े धूमधाम से निकल रही है, लोगों का और भक्तों का उत्साह देखने काबिल है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम हर बार भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं, लेकिन आज सोमवार के दिन श्रावण के दिन भोलेनाथ भक्तों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं और हम सब खुश हैं और सब प्रसन्न हैं। भोले भोलेनाथ के दरबार जो सेवा देने आ रहे हैं उनको हम काल की यात्रा जो आनंद है वो सोमवार को विशेष तौर से बहुत महत्वपूर्ण बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। महाकाल की सवारी निकली और अच्छा नहीं लगे ये कैसे हो सकता है? महाकाल का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और आपको क्या नाम है आपका? अच्छा क्या क्या कहना है आपको सवारी देख के? सवारी बहुत अच्छी है, धूमधाम से निकल रही है, बहुत आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बताओ राम भोले राम 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 राम
महाकाल की सवारी निकल रही है और महाकाल नगर भ्रमण पे है। गंगा जमुनी संस्कृति का यह परिचायक मेवाड़ है। महाराणा प्रताप की जो आन बान की शान की लड़ाई में हकीम का सूर सेनापति होकर उनका साथ दिया था और अकबर से जंग लड़ी थी, इसी संस्कृति को आज यहाँ पर निभाते हैं आम जन, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के हो, संप्रदाय के हो, सभी की यात्रा निकलती है, सवारी निकलती है, एक दूसरे का स्वागत करते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर पल्टन मस्जिद से हैं और आप देख रहे हैं इन्होंने महाकाल की यात्रा का स्वागत किया है, पुष्प वर्षा की है। आप बताएं क्या कहना है आपका, बताओ। मैं शाहनवाज खान, मेजा हाउसिंग कमेटी लाइसेंस होल्डर हूँ यहाँ पर जी। इस यात्रा कांवड़ यात्रा का हम स्वागत करते हैं। उदयपुर की एक प्रतीक रहा है, हिंदू मुसलमान सब एक साथ त्यौहार बनाए हैं, सब त्यौहार धर्म के, तो हमने भी उसी सिलसिले को कायम रखते हुए इस बार पुष्प वर्षा की है और स्वागत किया है। आपने क्या किया? स्वागत किया हमने आपका। अच्छा, अपना स्वागत किया है। अच्छा, धनुष का इस्तेमाल किया है। हाँ, और आराम से राजू जी सब त्यौहार मनाते हैं, आपके भी हमारे भी। क्या नाम है आपका? नाम मुश्ताक अली। अच्छा, आज क्या आयोजन हुआ है? आज महाकाल नगर का, महाकाल के नगर भ्रमण की यात्रा निकली है जी, जो जिसका सभी मुस्लिम समुदाय की तरफ से आज स्वागत किया गया है। और इसी तरह से सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी धार्मिक आयोजन होते रहें तो देश की एकता और अखंडता हमेशा के लिए बनी रहेगी। इसमें देश के सभी नागरिकों से यही आग्रह है कि अपने अपने मज़हब के तमाम
कार्यक्रम हो को इसी तरह से सौहार्दपूर्ण तरीके से निकाल करके भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें। इसके महाराणा प्रताप एक शूरवीर और देशभक्त राणा हुए हैं, उन जबकि वो एक हिंदू समुदाय से वो रखते थे ताल्लुक, जबकि अपने ख़ास सेनापति हकीम का सूर को उन्होंने बनाया। यानी कि हमारा इतिहास ये बताता है कि कालांतर में भी मजहबी वो एकताएँ हमेशा थी, जबकि धर्म अपनी जगह था और राष्ट्र और राष्ट्र प्रेम अपनी जगह था। तो राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत लोग ये मजहबी मामला को नहीं मानते हुए अपने मुख्य देश प्रेम को मुख्य रखते हुए अपने ख़ास ओहदों पे बिना धार्मिक भेदभाव के लोगों को हमारे उन महाराणाओं ने भी उनको नियुक्त किया है। महाकाल की कृपा है, शिव भगवान की, पूरे उदयपुर शहर ही नहीं पूरे देश में और खुशहाली हो, अमन चैन की बात हो। आप बताओ, आज शिव जी की महासवारी में हम सब लोग शामिल हुए हैं और हम यही कामना करते हैं कि चारों तरफ स्वास्थ्य, समृद्धि, संपन्नता, स्नेह की बरसात हो हमारे देश में। आप बताओ क्या कहना। जय भोलेनाथ, भोलेनाथ की कृपा से आज हमें भी दर्शन हुए हैं। हमारे भोलेनाथ आज दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकले हैं और इतना अच्छा काम होगा, ये साल भी अच्छा चढ़ेगा। सबसे पहले तो मैं माँ देवी से एक ही प्रार्थना करूँगा, जो गऊओं के ऊपर तकलीफ़ आई है, जो गऊ की जो बीमारी चल रही है, सबसे पहले उसके ऊपर आशीर्वाद रखें और सब सारे परिवारों पे आशीर्वाद रखें। धन्यवाद। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा हमें। का और क्या कहना। मोहम्मद फारूक का जी, कावड़ यात्रा बहुत अच्छी निकली है और इसी उससे उल्लास से निकलती रहे और सबके त्यौहार मिलजुल के मनाए। कुछ उदयपुर में कुछ परेशानी आई थी, हमारे उदयपुर में कुछ लोगों ने ऐसी घटनाएं की थी, परेशानी आई थी, वो भी सब ठीक है। कृपा है, ये सब मिलजुल के हमारा स्वागत ये हम देख रहे हैं, दर्शन करते हैं, सब दर्शन किए हैं। क्या नाम? बहुत खुशी की बात है। हाँ, नाम बताओ। मेरा नाम साजय है। हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि आज माँ कालेश्वर जी की आज रैली निकली है, तो इसी उपलक्ष्य में हमारे जितने भी भाई हैं मुस्लिम समाज के, उन्होंने बढ़िया स्वागत किया, फूल रोपण किया। तो हमारे महाराणा प्रताप जी के टाइम से ये परंपरा चल रही है और बस इस देश में कुछ नहीं चाहिए, एकता प्रेम और भाव चाहिए, सब मिलजुल के रहे और आपसी प्रेम भाईचारा बना के रहे। मेरी तो बस यही दुआ है और एक प्रति चले। जय हिंद, जय भारत। माँ काल की यात्रा निकल रही है और यह जो माँ काल का नगर भ्रमण है वो अपने आप में एक अलौकिक है और इस अलौकिक शाही सवारी का स्वागत करने के लिए सभी यहाँ पर प्रतीक्षारत हैं और किसी ने स्वागत किया है तो गदगद हो गया है, इस स्वागत से अभिभूत हो गया है और आप ये देख रहे हैं इनके चेहरे पर स्वागत करके वो दमक आई है कि ये साल भर तक बताओ कैसा कैसा आनंद आया है। आप बहुत आनंद आया, महादेव आए अपने। हाँ, आप बताओ क्या कहना है। आज बिल्कुल आनंद की अनुभूति हुई है, महादेव की यात्रा में हमने जो सेवा करी है बहुत अच्छा लगा और हमारे जो क्लब मंगलम ने ये जो यहाँ सेवा दी है बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा। आप बताओ, मंगलम क्लब लॉयस क्लब उदयपुर मंगलम की तरफ से बिस्किट और पानी की ये वितरण किया और हमारी एक जेडसी की भी विजिट करवाई और हमको बहुत आनंद आया, हमने पूजा की, अर्चना की और बहुत। आप बताओ आप क्या कहना। बहुत अच्छा लगा, मतलब महादेव पधारे हमारे द्वार। आप बताओ, हम लोग बहुत हर्षोल्लास से ये वाला काम हमने सक्सेसफुली किया है, हम लोगों को बहुत आनंद आया। आप बताओ, बहुत मजा आया हमें, काफी अच्छा आनंद आ रहा है सभी को और सभी इसी उमंग और उत्साह के साथ में कोई नृत्य भी कर रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, सब कर रहे हैं, नमो पार्वती पतये हर हर।
शिखर भ्रमण के दौरान माँ काली स्थान हाथीपोल पर महाकाल पधारे और सभी भक्तों ने महाकाल का स्वागत किया और अभूतपूर्व यह अलौकिक आनंद सभी महाकाल का नगर भ्रमण हुआ है और महाकाली के स्थान हाथीपोल पर पधारे हैं भगवान भोलेनाथ, तो भक्तों ने अपार रूप से इनका स्वागत किया है और आप देख रहे हैं ये भक्तों का जनसैलाब जो उमड़ा है, यही दर्शाता है कि दो वर्ष के कोरोना काल के चलते जो भगवान के प्रति आयोजनों के प्रति जो दूरी हो गई थी, आज ये दूरी मिटी है, तो जनसैलाब भावनाओं के साथ उमड़ा है और हर एक के चेहरे पर जो भावनाएं उमड़ रही हैं वो एक दिव्य और अलौकिक भावनाएं हैं। सभी के मन में श्रद्धा और विश्वास अपार हैं और कामनाएं कर रहे हैं कि जैसा ये ठाट बाट इस वर्ष उनको मिला है ऐसे मिलता ही रहे कई वर्षों तक, और वो खूब ठाट बाट से ऐसे मनोरथों में खूब आनंद लें, परिवार सहित आनंद लें। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सभी यहाँ महाकाल के और महाकाली के स्थान पर आए हैं, दीपक लिए हाथों में महाकाली जी की, महाकाल की ये आरती कर रहे हैं और ठाट बाट से महाकाली जी के दर्शन कर रहे हैं। यह आयोजन एक अपने आप में अलौकिक आयोजन है जो स्वतः रूप से हरेक के मन में अमिट छाप छोड़ रहा है। जो भी यहाँ से घर जाएंगे वो अपने मन में यह आयोजन जो है उसका भाव लेकर जाएंगे और आगे आने वाले सालों में भी ये ऐसा ही आयोजन होता रहे इसकी कामना आम जन कर रहे हैं। किस प्रकार से यह आयोजन हो रहा है, किस शक्ति के अनुरूप यह आयोजन हो रहा है, यह तो ऊपर वाला ही बता सकता है, लेकिन एक बार प्रशासन ने जो व्यवस्था की है, पुलिस विभाग ने जो व्यवस्था की है और महाकाल मंदिर ट्रस्ट ने जो व्यवस्था की है उसका परिणाम आम जन को मिला है और खुशियों से सराबोर हुआ है आम जन। इनके चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही है वो आप भी देख सकते हैं कि कितनी खुशी है इनके चेहरे पर कि ये आयोजन उन्हें कितने सालों बाद मिल पाया है। ऐसा ही आयोजन आगे भविष्य में भी मिलता रहे। अब महाकाल महाकाली से हरि को मिलने जा रहे हैं। हरि और हर का मिलन अलौकिक है, अद्भुत है, आप भी देखें। महाकाल जो भ्रमण हुआ है महाकालेश्वर महादेव का, आज भोर में आरती करवाई, अच्छी आरती की थी, भव्य आरती और श्रृंगार हंगार वगैरह सब करवा दिया और देवी यात्रा सब महादेव की मेहरबानी है। महादेव का दया, हम हर साल स्वागत करते हैं, हमारे बच्चे की याद में हनुमान जी कहीं हम खड़े रहते हैं, हर साल की तरह भी हम यहीं महादेव की सेवा करते हैं और महादेव की जो बरात निकलती सही सवारी में हम यहीं विराजमान होते हैं और महाराज की जो भी नाम आपका सब काम करते हैं। नाम आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं हाथीपोल के रहने वाले पोखर मकान अम्बा माता में। कोई पैदल तो कोई दौड़ के और कोई गाड़ी में आगे तो कोई गाड़ी के डिक्की में बैठकर और महाकाल के साथ में यात्रा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।
है, बहुत नाचे, अब जाके शांति मिली है, थोड़ी देर कार में बैठ जाते हैं। आप बोलो क्या कहना है, है? बोलो, बताओ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। वाह, सभी भक्त यहाँ घंटाघर पे बैठे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कब महादेव जी आए और उनके दर्शन करें। बताओ क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, महादेव जी आ गए? आने वाले? अच्छा, बता कोई अच्छा लग रहा है। और ये बालक हैं जो हर शनिवार और मंगलवार है सुंदरकांड का हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं मंदिर में। इन पे एक आनंद आ रहा है आपको? अरे मेरे को भी दो। जय श्री मांगल, जय श्री मांगल। आज उसके आगे वो पार्टी हमारा था, हमें काफी ज्यादा आनंद आ रहा है बैटरी वाली गाड़ी देख के। वाह अभी लोग, वाह सभी महिलाएं प्रतीक्षा कर रही है कि कब भोलेनाथ महाकाल आए और उनका स्वागत करें।
हैं और इसी प्रतीक्षा में वो जाप कर रही है, हर हर महादेव, हर हर शंभो। वाह, आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह, इनका भी वाह। जय महादेव, जय महादेव। महाकाल की यात्रा की खुशियां सबके चेहरे पर आपको दिख रही हैं। सभी प्रतीक्षा में हैं कब महाकाल आए और उनका स्वागत करें। हाथ जोड़कर खड़े हैं, सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। थाली लेकर, थाली में पुष्प और पूजन की विविध सामग्रियां लेकर खड़े हैं आमजन, श्रद्धालु और भक्त। यहां आप देख रहे हैं कितनी खुशियां हर एक के चेहरे पर दिख रही हैं। क्या दुकानदार, क्या घर वाले, सभी को प्रतीक्षा है तो बस महाकाल की, कि कब महाकाल यहां आए और उनको दर्शन दे। बड़ी खुशी अपार हो रही है सभी को, और इसी खुशी को चौगुनी करने के लिए ये यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारी खुशियाँ और कैसे बढ़े और महाकाल के दर्शन हो। चाहे बच्चा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी यहाँ पर अपनी अपनी देहरियों के ऊपर बैठे हैं और महाकाल के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से आत्मीय भाव सभी में नज़र आ रहा है, और यही भाव इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहे हैं। जिस तरह से देश और दुनिया में जो वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण से निपटने के लिए यही एक ऐसा मार्ग है जो शांति देता है, समृद्धि देता है, खुशहाली देता है।
आप भी देखें किस तरह से प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग, और किस तरह से यहाँ जगदीश मंदिर चौक में हरि और हर का मिलन होने जा रहा है। सभी यहाँ प्रतीक्षा में हैं कि कब हरि और हर का मिलन हो। Thank you.
महाकाल का नगर भ्रमण हो रहा है और महाकाल की सवारी जगदीश चौक पहुंची है। जगदीश मंदिर हरि का मंदिर है और हर यानी कि महाकाल यहां पधारे हैं नगर भ्रमण पर। तो इस तरह से दृश्य आपको दिखा रहे हैं हम। यहां हरि और हर का मिलन हो रहा है और आरती हो रही है। इस तरह से भक्त यहां पर उमड़े हैं। जन सैलाब यहां पर हरि और हर के मिलन का अलौकिक आनंद ले रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत हैं। हरि और हर का मिलन हुआ तो सब में
खुशियां छाई है और इन्हीं खुशियों को लेकर ये महिलाएं पुरुष सभी नृत्य कर रहे हैं, चाहे स्थानीय हो या विदेशी हो, जमकर इन्होंने नृत्य किया और हरि के हर से मिलन पर खूब अपार खुशियां इनके चेहरे पर झलक रही हैं। सावन महीने के अंतिम सोमवार चौथे सोमवार पर सावन महीने में महाकाल का हर सोमवार विशेष आयोजन होता है और इसी आयोजनों में भाग लेकर सभी लोग अपने आप को बड़भागी मानते हैं कि महादेव की हमें सेवा मिल रही है, महादेव का हमें दर्शन हो रहा है, भक्तों और भगवान के बीच जो कड़ी है वो भक्ति की कड़ी है। भक्ति की कड़ी आप देख रहे हैं इनके हृदय में। जो महाकाल का नगर भ्रमण हुआ है और जो आम जन में महाकाल सवारी के प्रति जो आनंद की अनुभूति हुई है वो अपने आप में अलौकिक है और यह आनंद देसी ही नहीं विदेशी भक्तों ने भी जमकर लिया है। नाच कर हरि हर का मिलन हुआ, जगदीश चौक में बहुत अच्छा रहा। महाकाल की सवारी आई, स्वागत किया गया और शहर में महाकाल का भव्य स्वागत हुआ और यहाँ भगवान जगन्नाथ राय जी हरि हर मिलन हुआ। मैं वंशंगत सेवायत वंशंगत भुजे जी राम गोपाल बोल हरि हर महादेव की जय। महाकाल की यात्रा निकली है और नगर भ्रमण हुआ है महाकाल का, हरि और हर का मिलन हुआ है जगदीश चौक में और काफ़ी प्रसन्नता है आम जन में और यहाँ के कार्यकर्ताओं में। आप बताएं किस तरह का उल्लास दिख रहा है। वास्तव में ये हर और हरि का मिलन जो जगदीश चौक में महाकाल की सवारी निकलती है उसका और जगदीश मंदिर के बाहर प्रांगण में जो मिलन होता है, वास्तव में एक बहुत ऐतिहासिक और शानदार एक उत्सव है। यहाँ देखने पर जो मन प्रफुल्लित होता है, वास्तव में सावन के महीने में जो सवारी के बाद जो आनंद होता है ये सनातन धर्म की खूबसूरती है कि जिस प्रकार से दोनों भगवान की पालकी एक साथ बैठकर और कुछ मतलब जैसे कि कोई उपहार आदान प्रदान करते हुए एक उत्सव का माहौल बनता है और भक्तों में जो आनंद और अपवा उत्साह होता है वो देखने ही बनता है। ये शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बताओ कैसा आनंद आया आपको? आज बहुत ही आनंद आया, पूरी यात्रा में बहुत जगह जगह शानदार स्वागत किया गया भगवान महाकाल की यात्रा का और बहुत ही आनंद आया है। आप बताओ? बोले का बहुत आनंद आ गया, मजा आ गया। काल की सवारी निकली है, हरि और हर का मिलन हुआ है, आज अद्भुत अलौकिक आनंद सभी भक्तों को मिला है। हमारे साथ में हुकुमराज जी साहब हैं, जगदीश मंदिर के पुजारी जी और रानकपुर के पुजारी जी श्री रमेश शर्मा। अच्छा अच्छा, आप बताएं क्या आनंद और क्या आयोजन हुआ है? आज जो है भगवान की कृपा से आज जो है हरि और हर का जो मिलन है यह जो है एक बहुत ही अद्भुत घटना है ब्रह्मांड की। भगवान शिव का और विष्णु का जो मिलन होता है उससे सारा ब्रह्मांड, सारा देव दानव यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर जितने भी लोग हैं वह बड़े प्रसन्न होते हैं और उन पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है और उनकी भगवान की कृपा से शिव और शक्ति की और भगवान विष्णु की कृपा से तो उनका जो है बड़ा बड़ा एक तरह से सौभाग्य का दिन है ये कि आज सभी जो है देव दानव यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर मनुष्य नर नारी सभी जो है बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है भगवान की कृपा से। आरोग्यार्थम गोविंदम यजेत और भगवान जो है
स्वास्थ्य के लिए जो है, ईश्वर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव योग क्षेम वहां हम, इसलिए भगवान शिव और विष्णु की कृपा से सारे भक्तों को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, स्वास्थ्य प्राप्त होता है, दिव्य जीवन प्राप्त होता है। जो भी यम यम चिंतित काम हम तम तम प्राप्तों के निश्चितम, जो जो आदमी जिसके मन में जो कामना होती है वह ईश्वर की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, भगवान शिव का नाम एक आशुतोष भी है, भगवान शिव सद्या प्रसन्न होने वाले हैं, शीघ्र प्रसन्न करने वाले हैं, जल्दी कृपा करने वाले हैं, तो इसलिए भगवान शिव और विष्णु की कृपा से सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो और भक्तों को स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त हो, इसी कामना के साथ जय जगदीश ओम जय। मेरा नाम ललित है, मैं रणकपुर जैन मंदिर का पुजारी हूँ और आज जो बहुत सुंदर आयोजन हुआ, भगवान श्री महाकाल की जो शाही सवारी निकली और यहाँ पे जगदीश चौक में भगवान जगन्नाथ स्वामी और महादेव का जो मिलन, हरि और हर का मिलन, ये बहुत ही आनंद देने वाला था और इससे सारे भक्तों का कल्याण होगा और विश्व का कल्याण होगा और सबका कल्याण के लिए, विश्व शांति और कल्याण के लिए जो आयोजन हुआ है, भगवान सबके ऊपर कृपा करें और सबको आनंद दे। जय जय जगदीश, जय श्री महाकाल। अच्छा लगा यहाँ के, दिल्ली में आए बहुत अच्छा लगा। श्री कृष्ण लगा आज का आयोजन? बहुत अच्छा, हमारे तो जगदीश मंदिर में हर ग्यारस को आते हैं, खूब मजे करते हैं। आप बताओ, नाचते गाते अच्छा लगा। आप बताओ, आज एकादशी है, भगवान जगदीश के चरणों के अंदर ये फूल प्रसाद सब लेके आए और सावन का लास्ट सोमवार है और गौरी शंकर की मेहरबानी है पूरे उदयपुर के अंदर। आप बताओ कैसा आनंद आया? आज बहुत ही आनंद आया, आज महाप्रभु आदिदेव श्री भोलेनाथ एवं श्री हरि ठाकुर जी का मिलन, ये कह सकते हो हरि और हर का मिलन हुआ है आज, तो अद्भुत सहयोग बना दो वर्षों बाद और बहुत ही आनंद आया। व्हाट इज योर नेम एंड योर कंट्री नेम एंड योर ओपिनियन?